सारा ब्लॉक के जितने मुखिया लोग हैं हड़ताल पर हैं, कोई सारा आज अगस्त चल रहा है, अगस्त तक आज तक एक रुपया नहीं आया, ना सिस्टम में आया, ना पंद्रहवीं में आया। मुखिया टकटकी लगा के बैठे, मुखिया को गवर्नमेंट सर्वेंट बनाती जा रही है, कोई हम लोग वर्कर थोड़े हैं। 2 साल होने वाला है, बरेडा आज तक दिखी नहीं, मतलब हमारे सिवान ज़िले में भी कहीं नहीं दिखी है कि कहीं स्ट्रीट लाइट लगा हो। तो इससे हम लोग क्या क्या उम्मीद रहेगा बरेडा से, चाहे जल नल में देखिए, मान लीजिए जल नल में जो है पानी नहीं आ रहा है, तो हम लोग जाते हैं पंचायत घूमने, तो कोई भी आदमी बोलता है मुखिया जी ये टूट गया है, तो हम जाएंगे वेंडर को ना बोलने, वेंडर आते आते आएगा, मुखिया जी बनवाएंगे। हाँ, मुखिया जी कैसे बनवाएंगे जब हमारे पास है ही नहीं है, तो कि जो भी कार है वेंडर को दिया जा रहा है, माजे कोई भी कार हो रहा है, माजे वेंडर थ्रू हो रहा है, गलत सही कार हो रहा है, तो कहना मतलब मुखिया कराएगा तो लोग तो मुखिया को ना जानेगा जी, जनता मुखिया को चुन कर भेजी है अपने सेवा के लिए, उसके बाद अब वेंडर को दे देते हैं, वेंडर आया जिस तरह से काम किया नहीं किया, उसके बाद 5 साल के बाद चुनाव में हम लोग जाएंगे तो हमको जवाब देना है। जैसे कि हम आज 2 साल से देख रहे हैं बहुत सारे मुखिया लोगों का हत्या हुआ है, उसमें भी कोई आपका लाइसेंस का हम लोग कितना पेपर दिए अभी तक तो कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, बहुत सारा समस्या है, इसलिए हमारे प्रदेश के पूरा मुखिया लोग धरना पर बैठे हुए हैं। अगर यहाँ हम लोग का मांग पूरी नहीं होती है तो हम लोग आगे तक आंदोलन करेंगे। बिहार प्रदेश मुखिया संघ के आह्वान पर विगत 16 अगस्त से 31 अगस्त तक राज्यव्यापी हड़ताल और कार्य बहिष्कार का निर्णय लिया गया है। इसी के तहत मंगलवार को बढ़रिया प्रखंड के 29 पंचायतों के सभी मुखिया ने धरना दिया। आपको बता दें कि मुखिया संघ ने 19 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्य और केंद्र सरकार के खिलाफ रोष व्यक्त किया है और कहा है कि अगर सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है तो हम एक बड़े आंदोलन की तरफ जाएंगे। किया गया है मुखिया से सरकार को दिक्कत है, सरकार हम लोग का सारा परेशानी में डाल कर रखा हुआ है। कहने का मतलब एक दिन गाना हम सुने थे कि पावर यहीं से शुरू होता है, पावर यहीं पर ख़त्म होता है, सरकार हम लोग को अपना पावर दिखाइए रही है। सारा ब्लॉक के जितने मुखिया लोग हैं हड़ताल पर हैं, कोई सारा आज अगस्त चल रहा है, अगस्त तक आज तक एक रुपया नहीं आया, ना सिस्टम में आया, ना पंद्रहवीं में आया, मुखिया टकटकी लगा के बैठे, मुखिया को गवर्नमेंट सर्वेंट बनाती जा रही है, कोई हम लोग वर्कर थोड़े हैं। पड़रौना खुद पंचायत मुखिया पति अभय सिंह। बी ए बी कॉम बी एस सी एम ए एम कॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। कि जो भी कार है वेंडर को दिया जा रहा है, माजे कोई भी कार हो रहा है, माजे वेंडर थ्रू हो रहा है, गलत सही कार हो रहा है, तो कहना मतलब मुखिया कराएगा तो लोग तो मुखिया को ना जानेगा जी, जनता मुखिया को चुन कर भेजी है अपने सेवा के लिए, उसके बाद अब वेंडर को दे देते हैं, वेंडर आया जिस तरह से काम किया नहीं किया, उसके बाद 5 साल के बाद चुनाव में हम लोग जाएंगे तो हमको जवाब देना है। तो माजे मुखिया के अधिकारों को ना छीना जाए, जो भी हमारे अध्यक्ष साहब जहाँ जिसका भी मांग है उसको पूरा किया जाए। आप लोग हड़ताल पे हैं तो काम बाधित है, अगर काम नहीं होगा तो 5 साल के बाद जनता तो हिसाब। अभी हम लोग तो 2 साल हो गया, 2 साल पूजना जा रहा है, अभी तो कोई कार क्या कार हुआ है बोलिए, आवास नहीं मिल रहा है, अब लोग जा रहा है दरवाजे पर, मुखिया जी आवास हमारा जोड़ दी, क्या जोड़िएगा बोलिए, जो पहले का जो आवास, मुखिया लोग का लालच छिपा हुआ दिखाई दे रहा है। अब लालच क्या है, आप लोग कराइएगा तो अच्छा, देखिए मुखिया जी लोग जो है उन लोगों को पैसा रोक दिया गया, आपके विरोधी विपक्षी लोग कह रहे हैं जी कि आप अब मान लीजिए कि मुखिया के थ्रू पैसा नहीं मिल रहा है जी, मुखिया के थ्रू जो काम होगा तो मुखिया को जवाब देना है जनता को। मान लीजिए कि मुखिया को पैसा देना है, चेक देना है और वेंडर काम कराएगा, तो वेंडर कैसे काम कराएगा, जैसे मुखिया करा लेंगे तो वेंडर करा पाएगा। यानी कहने का मतलब पैसा आप लोग का है तो आप ही लोग काम करें। जी जी, पैसा है मान लीजिए मुखिया को जब देना है तो मुखिया काम कराए, जब दे ही मुखिया कराएगा तो उसमें क्या दिक्कत है। कहने का मतलब दिक्कत है तभी ना है, मान लीजिए कि कोई भी कार्य हो रहा है तो सफाई से काम नहीं हो रहा है। बहुत सारे लाइट सुनिए ना, पहले लाइट मान लीजिए लग गया है, 10 दिन में लाइट खराब हो गया, कौन जवाब देगा, जनता तो पूछे कि मुखिया जी लाया के पैसा खा गया। जो कंपनियां टेंडर ली उस कंपनी का बैकग्राउंड भी कुछ अच्छा नहीं है पहले का, पहले से नहीं है, अभी भी नहीं है। आप नल जल को उठा के देखिए ना, नल जल में है रिपेयर का, सुनिए ना कब तक चलेगा। अब देखिए, अब 31 तारीख है, 31 तारीख तक सरकार नहीं पूरा करते तो आगे भी चलेगा। 29 को जाएंगे जिला कार्यालय। जी जी, जरूर जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जाएंगे। जी जी जी, ठीक। हम लोग
पंचायत लेवल पर अपना हम लोग प्रतिनिधित्व करते हैं। जो भी है जैसे कि कबीर अंत्येष्टि का जो पैसा है आज तक अभी खाता में नहीं आया, जैसे कि एक साल होने जा रहा है, 15वीं वित्त का सिस्टम का भी पैसा हम लोग के अकाउंट में भी नहीं आया। जैसे कि जो है बहुत सारा समस्या है जो कि हम लोग यहाँ पर हम लोग 12 बजे रात से लेकर 12 बजे दिन तक हम लोग पंचायत में काम करते हैं। जैसे कि हम आज 2 साल से देख रहे हैं बहुत सारे मुखिया लोगों का हत्या हुआ है, उसमें भी कोई आपका लाइसेंस का हम लोग कितना पेपर दिए अभी तक तो कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। बहुत सारा समस्या है, इसलिए हमारे प्रदेश के पूरा मुखिया लोग धरना पर बैठे हुए हैं। अगर यहाँ हम लोग का मांग पूरी नहीं होती है तो हम लोग आगे तक आंदोलन करेंगे, हम लोग बैठ नहीं सकते हैं। ऐसे ये भी मांग चल रहा है कि आप लोग का जो भाता है 2500 रुपया है, इसको बढ़ाने की मांग आप लोग चल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें चल रहा है 2500 रुपया में क्या होने वाला है, जो कि हम लोग का मांग है उसमें अनेक सूत्री मांगों में है कि जे उसमें कम से कम 10000 मुखिया को भत्ता देना चाहिए। एक देखिए, एक मजदूरा लेबर का मनरेगा के लेबर का 210 रुपया है, मुखिया का 2500 रुपया है, बताइए कहाँ से ये मतलब ये सत्य बात है, कहाँ से? मनरेगा के जो मजदूर है उनका कितना वेतन होना चाहिए, मजदूरी कितना? देखिए अभी तो जनरल अभी हम लोग कोई भी काम करा रहे हैं तो उसमें 400 रुपया हम लोग पर डे देते हैं। अच्छा, उसमें भी मांग है कि मनरेगा का मजदूरों का मजदूरी बढ़ाया जाए ताकि अच्छा से काम हो। MOS मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम का जो बात है MOS का, उसमें भी वहाँ गाँव में हम लोग जाइएगा तो वहाँ नेटवर्क का बहुत दिक्कत है, वहाँ अटेंडेंस नहीं बन पाता है, उस समय उस दिन उस लेबर का हमारा पैसा नहीं बन पाता है, अटेंडेंस कट जाती है, कैसे हाजिरी बन पाएगा तो कि हम लोग मजदूरों का पैसा दे पाएंगे। मानी सभी सिस्टम को लेकर मुखिया परेशानी में, बहुत परेशान है हम लोग, थोड़ा सा नहीं बहुत परेशान है, इसीलिए हम लोग धरना पर हैं। मेरा नाम हरिओम कुमार हुआ और अमराई पंचायत से मुखिया पुत्र हैं। देखिए हमको शिकायत यही है कि जैसे मान लीजिए हम लोग के फंड में आता है, हमारे खाते पर आता है पंचायत के सिस्टम में, सिस्टम से निकाल के उसमें से हम लोग को देना है, ब्रेडा को स्ट्रीट लाइट को भी देना पड़ता है। तो मान लीजिए हम तो यहाँ से पैसा कट जा रहा है, अभी तक स्ट्रीट लाइट कहीं नहीं लगा है हमारे पंचायत में चाहे ब्लॉक में ही। आ रहा बात जैसे ब्रेडा का, 2 साल होने वाला है, ब्रेडा आज तक दिखी नहीं, मतलब हमारे सिवान ज़िले में भी कहीं नहीं दिखी है कि कहीं स्ट्रीट लाइट लगा हो। तो इससे हम लोग क्या क्या उम्मीद रहेगा ब्रेडा से, चाहे जल नल में देखिए, मान लीजिए जल नल में जो है पानी नहीं आ रहा है तो हम लोग जाते हैं पंचायत घूमने तो कोई भी आदमी बोलता है मुखिया जी ये टूट गया है, तो हम जाएंगे वेंडर को ना बोलने, वेंडर आते आते आएगा, मुखिया जी बनवाएंगे। हाँ, मुखिया जी कैसे बनवाएंगे जब हमारे पास है ही नहीं है, तो अपने जेब से नहीं ना बनवाएंगे, यही चीज़ है। और सरकार जहाँ पंचायत सरकार भवन था, जबकि हमारे पंचायत में अवेलेबल पैसा था, मगर आज तक जमीन उपलब्ध नहीं कराया गया। अब धरना कब तक चलेगा? 31 तक है, अब 31 तक मांग नहीं पूरा होगा तो आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे तक जाएंगे। हाँ, आगे तक जाएंगे। आलमगीर नाम है उर्फ गिरी, पकड़ी पंचायत।